ऐसा फाइल उन लोग ने बेचा है इधर, रोड कटिंग का फाइल है बोला है, कई रिपेयरिंग बोर्ड का फाइल है, ऐसा बोल के हम लोग को बेचा है। हम लोग पहले 5 नंबर में रहते थे, तभी वो टूटने पे टाइम पे हम लोग को बोला गया उन्होंने कि नहीं यहाँ से हम लोग को आपको 10 नंबर में शिफ्टिंग दे रहे, लेकिन उसके बाद हम लोग नए बिल्डिंग में ही आपको शिफ्टिंग दे करके बोला था। उसके लिए भी हम लोग को, उसके लिए भी हम लोग को 50,000 रुपया लिया, और प्लस बोला की 3,000 रुपये नए बिल्डिंग में जाने के बाद 3,000 रुपये भाड़ा बैठेगा आप लोगों के ऊपर, और वो भी 3 साल के लिए बैठेगा, बाद में 1500 जाएगा। इतना सब होने के बाद भी अभी जो चेकिंग हो रहा है उसमें वो लोग बता रहे कि आप लोगों का फाइल ही डीपी है, लीगल ही नहीं है। मैं पीएमजीपी में रहती हूँ, 5 साल हुआ है मुझे भाड़ा से फाइल लेके, अभी मेरा मार्च एंडिंग तक भाड़ा क्लियर है, और हमें, हम लोग 5 नंबर में रहते थे, 5 नंबर से हम लोग को अभी 9 नंबर में शिफ्टिंग किया है, और अभी अभी ये लोग बोलते है कि तुम लोग अनलीगल है, अनलीगल तो भाड़ा ने हम लोग को पेपर काई को दिया। जाहिर है जब इतने लोग आरोप लगा रहे हैं तो कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ जरूर है। दरअसल ये इमारतें म्हाड़ा के ट्रांजिट कैंप है, यहाँ के फ्लैट सरकारी परियोजनाओं से प्रभावित परिवारों और म्हाड़ा की पुरानी जर्जर इमारतों के निवासियों को अलॉट किए गए हैं। लोगों का आरोप है कि इस अलॉटमेंट में भ्रष्टाचार हुआ है, लोगों से लाखों रुपए लिए गए, रसीद नहीं दी गई, सिर्फ अलॉटमेंट लेटर दिया गया। अब मुलुंड की इस कॉलोनी के निवासियों ने म्हाड़ा के खिलाफ आंदोलन की चेतावनी दी है। उनको ऐसा बताया जा रहा है कि आप लोग सब घूसखोर है, इलीगली आप लोग इस जगह पे आए हैं। तो और इन्होंने, इनमें से एक महिला ने हमें कांटेक्ट किया, हमें बताया। अभी ये मैटर को हम कल म्हाड़ा के जो चेयरमैन है बेलू स्वामी नायडू, उनके पास 2 बजे का मीटिंग लिया है, और उनसे मांग करेंगे कि इनके पास जो भी पैसा आप लोग ने म्हाड़ा के जो भी अधिकारी लिए उसके खिलाफ FIR लॉन्च किया जाए, उसको अरेस्ट किया जाए, बिकॉज उसने प्राइवेट शॉर्ट में लिया है। और म्हाड़ा के जिन अधिकारियों ने ये घोटाला किया है अब उनका कोई अता पता नहीं है। फिलहाल जो अधिकारी म्हाड़ा में है वो किसी की सुनने को तैयार नहीं है, सिर्फ घर खाली कराने पर तुले हुए है। न्यूज डेस्क TV9। मुलुंड के इन लोगों की मुसीबत नहीं टली तो यहाँ रहने वाले सैकड़ों परिवारों की दिवाली काली हो जाएगी। यहाँ कई परिवार ऐसे हैं जिनके पास कोई दूसरा सहारा नहीं है, अगर इनका घर छिन जाता है तो ये सड़क पर आ जाएंगे। आपको दिखाते हैं ऐसे ही बेबस परिवारों की दास्तान। याशा शेजवल है, अपने स्वर्गवासी पति की सरकारी पेंशन से घर चलाती है, बड़ी मुश्किल से सबका पेट भर पाती है। आशा का कहना है कि म्हाड़ा अधिकारियों ने 3.5 लाख लेकर इस ट्रांजिट कैंप में फ्लैट अलॉट किया। इनके पास अलॉटमेंट लेटर भी है, अब 4 साल बाद इन्हें घर खाली करने का नोटिस भेज दिया गया। 2006 में इधर आई है रहने के लिए, जब से अभी तक मेरे को कोई बोला नहीं था, फिर अभी ये 2 महीना हो गया, मेरे इधर नोटिस भेज दिया और पात्र करके मेरे को बोला। इसके लिए मैं बहुत टेंशन में आ गई कि ऐसा इतना पैसा दे के अपात्र कैसा हो गया। और अभी म्हाड़ा वाले आके हम लोगों को बोल रहे हैं 7 दिन में रूम खाली करो, और हमारा घर हमारे मम्मी के पेंशन पे चल रहा है, और अभी इन लोगों ने हमें बाहर निकालेंगे तो अब हम कहाँ रहेंगे। विनीता नार्वेकर दूसरों के घर में काम करके अपना गुजारा करती है, साथ में विकलांग बहन की देखभाल की जिम्मेदारी भी है। अब म्हाड़ा कहती है घर खाली करना होगा, वो भी 7 दिन के अंदर। लाखों रुपए देने के बाद घर मिला है, हर महीने किराया भी देते हैं, 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ भी मुश्किल से हो पाता है, अब घर छोड़कर कहाँ जाए। 5 साल हो गए इधर ही रह रहे हैं, हम लोग से 3.5 लाख रुपए लिए, और हम लोग को अभी अनलीगली, हाँ म्हाड़ा अधिकारी से हम लोग ने लिया, अभी वो लोग बोलते हैं तुम लोग खाली करो तो हम किधर जाएंगे। एक तो पहले ही ये ट्रांजिट कैंप नर्क जैसा है, म्हाड़ा किराया वसूलती है लेकिन कभी यहाँ की सुध नहीं ली, और अब मनमानी ऐसी कि सारे दस्तावेज होने पर भी घर छीनने को आतुर है। अगर लोगों के पास मौजूद दस्तावेज सही हैं, तो मुलुंड में ये म्हाड़ा का महाभ्रष्टाचार कहलाएगा। न्यूज डेस्क TV9। चलिए इस पूरे मामले पर चर्चा करेंगे, हमारे साथ इस वक्त राकेश शेट्टी जी मौजूद हैं, एकता NGO के प्रेसिडेंट हैं, और इस पूरी जो लड़ाई है यहाँ पर इन लोगों की, उन लोगों को एकत्रित किया यहाँ पर राकेश शेट्टी जी ने, और साथ में हमारे साथ रंजीत जुड़ेंगे मुलुंडपुर से। सबसे पहले चलते हैं रंजीत के पास ही। रंजीत, आप वहाँ पर, आपके साथ कई लोग मौजूद हैं, क्या कुछ लोगों की परेशानियां हैं वहां से? जी, यहाँ जो लोग मेरे साथ मौजूद हैं उनकी सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि ये लोग पिछले 5 सालों से यहाँ रह रहे हैं, बकायदा उन्होंने किराया भरा है 5 सालों तक, और उसके पहले 3.5 से 4 लाख रुपए देकर के इन फ्लैट्स में इन्होंने पोजीशन लिया था।
अब इन लोगों को शनिवार को नोटिस दिया गया कि एक हफ्ते के अंदर खाली कर दीजिए। तो ऐसे में इन लोगों के सामने जो चुनौती है वो बहुत ही दुष्कर है। कैसे आप सामना कर पाएंगे इस चुनौती का कि आपको एक हफ्ते के अंदर ये मकान खाली करना है? क्या विकल्प है आपके सामने अभी? मेरा ये प्रॉब्लम था कि मैं जो पहचान नहीं था, जब मैं इधर आ गई तो मेरे को ऐसा ही बोला चलो 3.5 लाख रुपए आप दे दिए तो आपको मैं रूम दे जाएगा। तो मैं ये सोची कि अभी इतना 30-35 लाख का रूम बिल्डिंग का नहीं मिलते तो ये 3.5-3 में कैसा दे रहे हैं। नहीं मणि तुम टेंशन मत लेना। तो मैं बोला देखो भाई मेरे घर में तो लड़का नहीं है, मेरा हस्बैंड भी नहीं है तो हम कैसा ले सकते। नहीं तुम्हें ये टेंशन मत लेना माँ, तुम हमको लास्ट तक तो मैं इधर आके मेरे को 5 साल पूरा हो गया। 5 साल के अंदर वो साहब ने मेरे को ना मोबाइल नंबर दिया ना उसका नाम भी बता दिया। तो इस बारे में मैं तो थोड़ा दिमाग में मेरा आया कि ये लोग ने मेरे को तो कुछ बताया नहीं और मैं पैसा दे चुकी है। जी बिल्कुल, हवाला के तरीके से कारोबार किया गया, इनसे पैसे लिए गए, कोई रसीद नहीं दी गई और अब आप लोगों के पास कोई रसीद नहीं है, केवल वो रसीद जो लगातार आप भाड़ा भरते रहे। तो ऐसे में आप अपनी लड़ाई कैसे जारी रख पाएंगे माड़ा के खिलाफ और कैसे अपना घर बचा पाएंगे? हम तो लड़ाई पूरी करेंगे क्योंकि हम लोग ने जो ये रोड कटिंग का फाइल बोल के हम लोग को बेचा है, इधर बहुत से ऐसे लोग है कि उन्होंने अपना पूरा पुराना घर बेचा है या घर का पूरा गहना औरत लोग का बेच के फाइल लिया। आप लोगों के पास वो दस्तावेज भी है, मैं आप लोगों के हाथों में देख रहा हूँ जो दस्तावेज पिछले कई सालों से आप किराए के रूप में भरते आ रहे हैं। तो ये वो दस्तावेज है, ये वो रसीदें हैं जो लगातार पिछले 5 सालों से यहाँ के रहवासी माड़ा को चुकाते आ रहे हैं, उसके बाद भी आज माड़ा ये कह रही है कि ये लोग अवैध हैं। तो ऐसे में इन लोगों का सवाल यही है कि क्यों इन लोगों को अवैध बताया जा रहा है? आपने जब भाड़ा भरा है, पूरा किराया दिया, सारे टैक्सेस चुकाए हैं तो आपको अवैध क्यों बताया जा रहा है? वही तो हम माड़ा से पूछना चाहते हैं कि ये जो फाइल्स हमको रोड कटिंग बोल के दिया है ये आपके ऑफिसर लोगों ने दिया है, आपके जो इधर काम करते उन लोग हमारे घर पर आके हमको बोल के दिए कि आप टेंशन मत लो, ये रोड कटिंग का फाइल है, संक्रमण शिविर में अभी आप लोग को शिफ्टिंग करेंगे, बाद में इधर नए बिल्डिंग बन जाएंगे, 3,000 भाड़ा हो जाएगा, आपको उधर शिफ्ट किया जाएगा। जी सस्ते फ्लैट्स का लालच देकर के जो लॉलीपॉप इन्हें थमाया गया है आज वो इन्हें भारी पड़ रहा है। जी बिल्कुल रंजीत, समझ में आ रहा है बिल्कुल यहाँ पर कि क्या कुछ गड़बड़ी यहाँ पर चल रही है। हमारे साथ राकेश शेट्टी भी है। राकेश जी, गड़बड़ी साफ नजर आ रही है कि माड़ा के जो कर्मचारी है, माड़ा के जो अधिकारी है वहां पर गड़बड़ी जरूर कर रहे हैं। एक तो वहां पर कुछ लोगों का कहना है कि घर लेने के लिए उन्होंने कुछ लाख रुपए भी दिए हैं, वो किराया भी भर रहे हैं, उसके बावजूद भी गड़बड़ी हो रही है, उनको निकाला जा रहा है यहाँ से, आखिर क्यों? ये सबसे पहला तो जैसा मैं लास्ट टाइम भी आपके शो में बताया, माड़ा में सबसे ज्यादा करप्शन चल रहा है। और पहले ठीक है आप बिल्डर से सौदाबाजी करते थे, मगर ये जो लोग है ये मेहनती लोग है, गरीब लोग है, पेट काट के पैसा जमा किया है। मैं कल जब इस एरिया में गया मुलुंड में, लोगों से मिला तो किसी ने 5 लाख, किसी ने 4 लाख, जिस तरीके का पैसा, इतने बड़ी बड़ी रकम ऑफिसर्स को दिया है और ऑफिसर्स ने भी उनको डॉक्यूमेंट दिया है। अभी लोगों को समझ में नहीं आता ये डॉक्यूमेंट माड़ा का है, रिसिप्ट एवरी मंथ माड़ा देती है उनको 5,000 का, किसी को 3,000 रुपया का। और इसके बाद इतना 5 साल के बाद लोगों को समझ में आता कि ये हमारे साथ चीटिंग हुआ है। और चीटिंग किसने किया? माड़ा के ऑफिसर। अभी जब हम कोई कार्यालय में जाते हैं हमें पता नहीं कि जो अधिकारी बैठा है, हमको लगता है जो बोल रहा है वो सच बोल रहा है, इसलिए लोगों ने ऐसा बिल्कुल लोगों की बिल्कुल वहां पर पहुंच नहीं है। और जाहिर तौर पर लोगों के लिए जो माड़ा के अधिकारी बोल रहे हैं वही सच है। आप इन लोगों की बात सामने रखते रहे हैं और जाहिर है कि इस आंदोलन को भी आपने तेज किया, अब क्या कुछ अब निकल कर आ रहा है, क्या कुछ सोल्यूशन है? मंडे को यही माड़ा के ऑफिसर जिन्होंने इनको फाइल बेचा, जो अभी आरोप लगा रहे आप सुन रहे हैं इनका, जिन्होंने इनसे 5-5 लाख रुपया लिया, 3 लाख रुपया लिया, यही लोग सोमवार को 200 पुलिस कर्मियों के साथ वहां पे आए थे, जबरदस्ती इनका दरवाजा तोड़ा गया, इनको बाहर निकाल रहे थे। तभी एकता जो हमारा संगठन है, एकता दी पावर ऑफ यूथ एंड यूनिटी के कार्यकर्ता वहां पे पहुंचे, हमने दखल दी इस मामले को। उसके बाद हमने 2 बजे को माड़ा के ऑफिस में गए, चेयरमैन है वेल्लू स्वामी नायडू, उनसे मुलाकात की, उनको ये पूरा बताया कि आप लोग ने दिया हुआ रिसिप्ट है, आप आज बोल रहे हो कि कुछ माड़ा के ऑफिसर ने इतना तक एलिगेशन किया कि नहीं ये लोग ने ताला तोड़ के अंदर घुसे हुए लोग, तो अगर इन्होंने ताला तोड़ के अंदर घुसे तो ये आपका रिसिप्ट क्यों, क्या कर रहा है? और ये बिल्कुल यहाँ पर रिसिप्ट दे रही है माड़ा और हर महीने ये एक बार एक मुश्त पैसे दिए हैं इन्होंने और उसके बाद ये हर महीने किराया दे रहे हैं, उसकी रिसिप्ट दे रही है माड़ा, तो आखिर क्यों उनके घरों को तोड़ा